ये जी बिस्मिल्लाह करके शामिल करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। ले जी लहसुन का पेस्ट भी आ गया। ये 3 से 4 टीस्पून आपने लेना है 2 KG के लिए। ये शामिल करते हैं इसमें जी। इसको घर का देसी घी का टच देने लगे हैं हम। ये देखिएगा, ये देसी घी घर में तैयार किया गया है। इतना सा आपने इसमें शामिल करना है। ये देखें, इस तरह से ज़रा खुशबू हो जाएगी और मज़ा आएगा जी कढ़ाई का। व्यूअर्स, अब टेस्ट करके आपको बताते हैं जी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी देखते हैं टेंडर भी हुआ हुआ है कि नहीं। ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी तुमने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बड़ी सख्त गर्मी है जी बाहर, तो मैं सोचा कि आज ब्लॉग बाहर जाके नहीं बनाते, आज घर पे ब्लॉग करते हैं। क्योंकि बच्चों ने भी फरमाइश की है कि जी हमें वाइट चिकन कढ़ाई बनाकर बताएं आप और खिलाएं भी। तो मेरे वैसे चैनल पे ये रेसिपी भी मौजूद है, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद जनाब दोबारा आज किचन में जाते हैं और जाके वाइट चिकन कढ़ाई बनाकर आपको मैं आज बताऊँगा। आप देखिएगा क्या क्या रेसिपी है इसमें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और बड़ी मज़ेदार सी आज हम वाइट चिकन कढ़ाई बनाने वाले हैं। तो आइए अब जल्दी से किचन में चलते हैं और जाके वाइट चिकन कढ़ाई बनाते हैं। लेबर साहब किचन में आ चुके हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करते हैं जी। ले जनाब, फ्लेम ऑन हो गया, बर्तन हमने ले लिया। इंशाल्लाह जल्दी से हम वाइट चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं। सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन कह लें 1/4 कप कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 KG जो है चिकन है। तो अब जल्दी से ऑयल शामिल करते हैं इसमें। नहीं जी, ऑयल आ गया है हमारे पास, तो 1/4 कप आपने ऑयल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़बरदस्त मैं कुकिंग करता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं मेरी रेसिपीज़। लेकिन व्लॉगिंग के बाद काफ़ी अरसे के बाद जनाब मैं आया हूँ किचन में। तो ये तकरीबन 1/4 कप हमने लिया है ऑयल, तकरीबन 2 KG हमारा चिकन है जी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले प्याज शामिल करने हैं, लेकिन प्याज ब्राउन नहीं करने हैं आपने। ले जी, प्याज भी आ चुकी है, तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। मसाला इसका बड़ा अच्छा बनता है वाइट कढ़ाई के अंदर। ये जी बिस्मिल्लाह करके शामिल करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। और प्याज जो है वो ब्राउन नहीं होने चाहिए, प्याज आपने वाइट ही रखने हैं। बस थोड़ा सा इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। आज जनाब हम कुकिंग कर रहे हैं, मैंने कहा गर्मी बहुत है बाहर, तो घर से ब्लॉक करते हैं आज का। या बस आपने इसको सुनहरा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको कुछ तकरीबन 3 से 4 मिनट हम लेंगे, ताकि ये प्याज जो है ज़रा बाइट बाइट ही रखना है हमने। ले जी प्याज फ्राई हो रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये तकरीबन 2 KG हमारा चिकन है या साफ करके हमने धो लिया है। उसके साथ साथ लहसुन चाहिए होगा, तकरीबन कह लें कि 2 से 3 टीस्पून, ठीक है। ये पेस्ट बनाया हुआ है मैंने लहसुन का, तो ये भी हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे चिकन के साथ ही, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं कि नहीं। व्यूअर्स, प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है आज कुकिंग करने का। मेरा दिल भी बड़ा कर रहा था कि चिकन वाइट कौरमा खाया जाए या चिकन वाइट खाया जाए। तो अभी बस इंशाल्लाह देखिएगा चंद लम्हों में हम इसको बना लेंगे, बड़ा मज़ेदार सा चिकन वाइट कौरमा। मेरी तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने फ्राई किया, जिससे सुनहरा ब्राउन भी नहीं हुआ प्याज। इसमें आपने साथ ही चिकन जो है वो शामिल करना है। ये देखते हैं, ये भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और जो लहसुन का पेस्ट है वो भी साथ ही शामिल कर देना है। ले जी लहसुन का पेस्ट भी आ गया। ये 3 से 4 टीस्पून आपने लेना है 2 KG के लिए। ये शामिल करते हैं इसमें और मिक्स कर लेंगे दोबारा। ज़्यादा इसमें स्पाइसेस आपने शामिल नहीं करने, सिर्फ हमें नमक चाहिए होगा और सूखा धनिया चाहिए होगा। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, उसमें आपने 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून ज़ीरा, इसका पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये एक साथ हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से और इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा।
बस यही स्पाइसीज है, इसमें आपने रेड चिली नहीं डाली, ब्लैक पेपर इसमें इस्तेमाल करेंगे लेकिन एंड पे जाके। जी और तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए चिकन को, ये आप देखिएगा ये इस तरह से जो प्याज़ है वो गल जाना चाहिए, तकरीबन 6 मिनट आप कह सकते हैं हमें इसको भूना है। तो इसमें अब आपने ऐड करना है जी दही, प्याज़ गलने चाहिए बस ये देख लीजिएगा और बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो प्याज़। इसके बाद ये एक प्याली दही है ये इसमें आप ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह से। यार देखिए लुक आ गई है इसकी वाइट चिकन कढ़ाई की, और अगर आपके पास क्रीम हो तो क्रीम भी आप तकरीबन कह रहे 100 ml डाल सकते हैं इसमें, और इसको अभी पकाएंगे इसी मीडियम आंच के ऊपर। ले जनाब हमने क्रीम भी ऐड कर दी है, ये देख सकते हैं क्रीम मेरे पास थोड़ी कम थी, लेकिन आप अगर 100 ml इसको इसमें 200 ml की आपको मिलती है पैकेट, आप हाफ पैकेट डाल दीजिएगा। और ये भी इसको इस तरह से कुकने देंगे, जैसे ही अब ये जो पानी है जिसको होता है दही का, फिर इसमें लास्ट में आपने ब्लैक पेपर ऐड करना है, तो हमारी वाइट चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं लास्ट पे जाके, ठीक है जी। अब इसको इसी तरह से कुकने देंगे, जैसे ही पानी खुश्क होगा तो आपकी ये जो कढ़ाई है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है जी कुकिंग करने का, गर्मी तो लग रही है लेकिन चले बाहर तो बहुत सख्त गर्मी है इस टाइम तो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसमें जो ब्लैक पेपर ऐड करना है लास्ट पे, वो आपने पाउडर ऐड नहीं करना, क्योंकि पाउडर से जो है ना आपका चिकन कौरमा या चिकन कढ़ाई जो है वो काफ़ी ब्लैक हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल फ्रेश साबुत लेनी है काली मिर्च, उसको खुद से आपने पीसना है फिर इसमें शामिल करनी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे पाउडर जो है वो बिल्कुल ही क्या लेके ब्लैक कर देता है आपकी कढ़ाई को, इतनी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। तो अब तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब जाके देखते हैं जी कैसा है। ले व्यूअर्स आप देख सकते हैं जी पानी भी खुश्क हो चुके हैं और ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं मसाला भी बड़ा अच्छा सा बना है ये देखें माशाल्लाह, आपके मुँह में पानी आ गया होगा। तो अब इसमें जनाब लास्ट पे कि मैंने आपको बताया था ब्लैक पेपर इस तरह से होनी चाहिए, ये देख रहे हैं बिल्कुल पाउडर अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल आपका ब्लैक हो जाएगी कढ़ाई। तो मैंने ये खुद हाथ से ये देखें इस तरह से इसको पीसा है, और ये आपने काली मिर्च इसमें शामिल करनी है इस तरह से, जब पानी खुश्क हो जाएगा तब। ये जनाब बड़ी मज़ेदार थी आज हमारी कढ़ाई बन रही है। अगर आप 1 kg है तो 1 teaspoon लेना है, 2 kg आपका चिकन है तो 2 teaspoon लेना है, नमक का आपने ध्यान रखना है। और ये देखिएगा कुछ ही देर में इंशाल्लाह हमारी जो वाइट चिकन कढ़ाई है ये रेडी हो जाएगी, ये देखते हैं। ब्लैक पेपर भी हमने शामिल कर दिया, हरी मिर्च आप आपकी मर्ज़ी अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालने लगा ये जी, इसको अब घर का देसी घी का टच देने लगे हैं हम, ये देखिएगा ये देसी घी घर में तैयार किया गया है, इतना सा आपने इसमें शामिल करना है, ये देखें इस तरह से खुशबू हो जाएगी और मज़ा आएगा जी कढ़ाई का। ये देसी घी की खुशबू आनी शुरू हो गई है, ये नहीं इतना अब इसको मिक्स करेंगे, देखें बिल्कुल खुश्क हो गया पानी, और देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो वाइट चिकन कढ़ाई है समय से रेडी हो गई है, चिकन भी टेंडर हो गया है, अभी इंशाल्लाह टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। ये देख रहे हैं इस तरह से खुश्क होना चाहिए, ये मैं जूम भी कर रहा हूँ, यानी देखिए तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट लगे हैं और ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह खूब बड़ी अच्छी आ रही है जी। लास्ट पे ऐसे ही आप देखें ये ऑयल अलहदा होना शुरू हो चुका है, तो फिर आप इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देनी है खूबसूरती के लिए भी, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपकी जो वाइट चिकन कढ़ाई है। ये देखिए बिल्कुल हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, अब आपको टेस्ट करके भी बताएँगे, ये देखें ये जी बिल्कुल रेडी हो गई है। लें जी व्यूवर्स गर्मा गर्म वाइट चिकन कढ़ाई जनाब बिल्कुल रेडी है और डिश आउट भी हो चुकी है, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का जनाब मसाला और गर्मा गर्म हमारी वाइट चिकन कढ़ाई रेडी है साथ रोटी। मेरी ज़रा पसंदीदा देसी रोटी मैं इतनी पसंद नहीं करता, वाइट रोटी साथ में लूँगा, और ये हमारी जनाब ज़बरदस्त किस्म की वाइट चिकन कढ़ाई। तो अब टेस्ट करते हैं आपको बताते भी हैं जी कैसी कढ़ाई बनी है आज की हमारी, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज भी बाहर,
तो अब व्यूअर्स अब टेस्ट करके आपको बताते हैं जी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी देखते हैं टेंडर भी हुआ हुआ है कि नहीं, ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बड़ी अच्छे तरीके से जनाब टेंडर हो चुका है चिकन, और ये मसाला भी है साथ, ये देख रहे हैं। तो आप टेस्ट करते हैं, फंटेस्टिक जनाब, बहुत मज़े की बनी है, आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी आपको मेरे चैनल पे भी मिलेगी। तो अब मैं खाना खा लेता हूँ आराम से, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। व्यूअर्स यकीन जाने बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की बनी हुई है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि इसमें हमने हेलमेट इसलिए नहीं शामिल किए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप चाहें तो हेलमेट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने इसमें हेलमेट ऐड नहीं किया, ये मैंने आपको बताना था। तो अब खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करते हैं जी। और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में हमने वाइट चिकन कढ़ाई बनाई थी, आज हम बाहर नहीं गए, घर पे ही कुकिंग की है, पसीना आप देख सकते हैं, और खाने का टेस्ट जो था बहुत ही मज़े का था, मैंने आपको टेस्ट करके भी बताया। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, पूरी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे भी मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं, या आज की वीडियो भी आप देखकर इसको बना सकते हैं। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ के खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।